हेलो सर। सुने इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उस जेल से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें जरूर हुई थी लेकिन सब नाकाम रही। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब तीन कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लड़ाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। ऐसे कैदी के नाम से एक और नाम सामने आता है, वो है तेलुगु फिल्म कैथी, जिसमें एक कैदी बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए गैंगस्टर से लड़ता है। इसी पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक भोला नाम की रीमेक फिल्म बना रही है। भोला की कहानी एक कैदी की कहानी है जो कैदी कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्केट्रस पर बनी है। यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता है। यहाँ बेहद खतरनाक अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता है। इन्हीं कैदियों में वो चार कैदी भी थे जिनके इरादे खतरे से खेलने के है। जॉन और क्लेरेंस नाम के एंग्लिन भाई के साथ दो कैदियों को दस्ताना बड़ा और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास होती है इसलिए ये चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते रहते हैं। मॉरिस शातिर अपराधी है, वो पहले लुसियाना की जेल में रह चुका है। इस जेल यानी अल्केट्रेस में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था इसलिए इस जेल की बनावट से वो वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी, वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंग्लिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। इसी के चलते एंग्लिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली है। एंग्लिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और एटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को एल्केट्रिस जेल में भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वह भी पहले जेल से भागा था इसलिए तीनों दोस्त बन गए। ऐसे ही भोला ने अपने बिहेवियर के चलते जेल में अपने दोस्त बनाए जिन्होंने भोला को जेल से बाहर निकलने में मदद की। तो भोला कैसे इन कैदियों की मदद से बाहर जाएगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।